क्या बात है भाई, सिग्नल भी दे दिया, अभी जय नहीं बोली हमारी। सॉरी बाबा जी, वो सोशल मीडिया पे मैं फोटो लाइक्स कर रही थी। लाइक कर रही थी? हाँ। लेकिन हमें तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। नहीं नहीं बाबा जी, किसी और की फोटो लाइक कर रही हूँ। और की? डाटा हम डलवा के देते हैं और यूज कोई और ही कर रहा है, मतलब हम और इंटरनेट पैक दोनों मिस यूज हो रहे हैं। नहीं नहीं बाबा जी, आजकल नेटवर्क और इंटरनेट बहुत जरूरी हो गया है ना। हाँ हाँ हाँ, वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन जिंदगी में बाकी चीजें भी जरूरी होती हैं, समझी? बाकी समझ गए, ये नहीं समझती। बोलो सोशल बाबा की। तो बताइए किसकी क्या समस्या है। हाँ जी बोलिए। हेलो बाबा जी। हेलो, मेरा नाम अंकिता है और मैं फेमस होना चाहती हूँ। तो अपना नाम चेंज कर लो। तो फिर इसके लिए मुझे क्या नाम रखना होगा? नाम रख लो सोनम गुप्ता। आजकल बड़ा हिट है, 2000 के नोट पे गांधी जी के साथ साथ यही हिट हो रहा है। बहुत से डायरेक्टर प्रोड्यूसर तुम्हें कास्ट कर लेंगे बेवफा फिल्म में। बोलो सोशल बाबा की। और किसी की कोई समस्या? प्रणाम बाबा। रोमिंग फ्री रहो। हेलो। हेलो। देखो रात भर चैटिंग करने की आदत है। अच्छा, समस्या है ये? हाँ जी। तो हमें अपना नंबर दे दो। वो क्यों? वो भी हम रात को चैटिंग पे ही बताएंगे। लाओ नंबर, लाओ अपना, इधर लिखा दो। अरे बाबा। लोगों से नंबर मांग रहा है, मेरे को बता कौन सा नंबर चाहिए, 6 नंबर 7 नंबर या 9 नंबर। अरे वाह, मुबारक को भाई, तुम्हारा भाई जूतों की दुकान में सेल्समैन लग गया है। अरे मैंने अभी मर्डर किया है। सर में से जू निकाल कर मारने को मर्डर नहीं कहते। ऐसे नहीं बोलना मेरे को, मैंने अभी अभी एक बंदे के हाथ पैर तोड़ दिए। तोड़ दिए? गमले से फूल तोड़ा है कभी? हाँ तोड़ा है। तेरे से ज्यादा बड़ा फूल होता है जो लड़का लड़की को देता है वैलेंटाइन डे। भैया आपने किसका मर्डर किया? हाँ तो मैं गया था शोरूम में, तो मैंने उसको पूछा बंदे को, मैंने कहा टी शर्ट का रेट कितना है, तो आगे से बोला ही नहीं। भाई जोर से बोलते तुम्हारी आवाज घुटनों के नीचे रह जाती है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने उसको बोला कि बता कितना है, तो बोला नहीं, तो मेरे को चढ़ गया गुस्सा। मैंने उसके कपड़े उतार लिए और उसको मार के ना उसके हाथ पांव तोड़ के फेंक दिए। तो भैया बहुत खून निकला होगा ना? नहीं नहीं, मेरे को देख के उसका खून सूख गया था, निकला ही नहीं कुछ भी। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया, सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहां से। कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं?
देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलुका के चक्कर में तुम्हें शॉप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शॉप पे अच्छे लगते हैं, ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।